मध्य भारत का पहला स्किन बैंक सेक्टर 9 अस्पताल में प्रारंभ किया गया है, जहां पूरे मध्य भारत से बर्न केस के आए मामलों में पहले के मुकाबले लोगों की ज्यादा जान बचाई जा सकेगी। अस्पताल प्रबंधन ने आम जनमानस से चमड़ी दान करने की अपील की है, जिससे बर्न केस के मरीजों की जान बचाई जा सके। आप सभी ने ब्लड बैंक, आई बैंक जैसे मनुष्य के शरीर के अन्य अंगों के बैंकों के बारे में सुना होगा, पर आपको शायद यह पता नहीं होगा कि मनुष्य के शरीर को ढकने वाली चमड़ी का भी बैंक होता है। और इस बैंक में मनुष्य के मरणोपरांत उसकी और उसके परिवारजनों की इच्छा के अनुसार चमड़ी दान लेकर इस बैंक में ग्लिसरोल नामक तरल पदार्थ में डुबाकर फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, और यह चमड़ी लगभग 5 वर्षों तक जरूरतमंदों के काम आ सकती है। ऐसा ही एक स्किन बैंक पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई में प्रारंभ किया गया है, जो कि मध्य भारत का और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र स्किन बैंक है। इसके लिए राजधानी रायपुर की अंग प्रत्यारोपण टीम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि स्किन बैंक के लिए सेक्टर 9 अस्पताल सर्वोत्तम स्थान है। सेक्टर 9 अस्पताल के एडवांस बर्न केयर डिपार्टमेंट में इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि चमड़ी की सबसे ज्यादा आवश्यकता बर्न केस में ही देखने को मिलती है। इसके पहले इसकी कमी से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा रहता था, परंतु अब स्किन बैंक खुल जाने से इन आंकड़ों में जबरदस्त कमी हुई है। सेक्टर 9 अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रमोद विनायके के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि आज सेक्टर 9 का यह अस्पताल चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ता जा रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त कर रहा है। जैसा आप जानते हैं कि मध्य भारत में अपना जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है 860 बेड के हॉस्पिटल हैं, और यहाँ का जो बर्न यूनिट है खासकर ये सब पूरे मध्य भारत में ही बहुत फेमस भी है कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट है और आगे जो मरीज का जो इलाज किस तरह से टेक्निकली एंड कंफर्टेबली और सक्सेसफुली होता है, इससे लोगों को बहुत इस पे विश्वास है अपने हॉस्पिटल में। तो रिसेंटली जो 15 अगस्त हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव था, यहाँ पर अपना स्किन बैंक को श्री अनिर्बान दासगुप्ता साहब जो हमारे DIC हैं उनके जो एनकरेजमेंट से हम स्थापित कर पाए, और उसमें अपने जो डॉक्टर हैं स्पेशली डॉक्टर उदय कुमार और डॉक्टर अनिरुद्ध मेने उनकी टीम, नर्सिंग स्टाफ भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, ये सब बहुत मेहनत जद्दोजहद करके उसको उन्होंने डेवलप किया है। और इसमें यही है कि जो मरीज जो आई डिग्री ऑफ बर्न्स और एक्सपेंडेड बर्न्स 80% 70% जिसमें स्किन बचता ही नहीं है, जो जले हुए मरीज रहते हैं, उनको ये जो स्किन बैंक एक वरदान के रूप में है खास कर इनके लिए। और इसके अलावा अगर कहीं से इनको स्किन निकालने में भी कोई दिक्कत होती है, कोई और डिजीज के कारण भी जो जले हुए मरीज आते हैं, उनको ये स्किन बैंक जो है एक फैसिलिटी है जो जहाँ पर स्किन को स्टोर किया जा सकता है और इमीडिएटली इमरजेंसी के रूप में भी और जब भी चाहिए जितना स्किन एरिया कवर करना है उतने उनको तुरंत डॉक्टर को ये कॉन्फिडेंस और एक लिबर्टी मिलता है कि स्किन अवेलेबल है और मैं इसकी सर्जरी जल्दी कर पाऊंगा। ये इस मामले में इसलिए स्किन बैंक का जो स्थापित करना इस प्रदेश के लोगों के लिए और खासकर भिलाई स्टील प्लांट और इस प्रदेश के लोगों के लिए एक वरदान स्थापित होगा, ये हमारा सोचना है। ट्रीटमेंट्स आपको एक आइडिया अपना ब्लड बैंक जो बर्न यूनिट इंचार्ज जो है वो आपको पूरा बता देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो फैसिलिटी अभी है वो है इंक्यूबेटर फैसिलिटी है स्टोरेज करने के लिए, उसके बाद जो निकालने का जो टेक्निक है तो पहले से स्थापित है, जो माइक डर्मोट्रोम का निकालना वो सब स्थापित है, बट जिस तरह से उसको प्रोसेस करना जो निकाला उसकी ट्रेनिंग ली हुई है अपने नर्सिंग स्टाफ अपने टेक्निकल स्टाफ वहाँ की, ये ट्रेनिंग उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध बर्न सेंटर में उन्होंने ये ट्रेनिंग लिया है, और इसको लेने में हमको लगभग 3 महीना लिया पूरा ट्रेनिंग करके आने में, हमारे डिफरेंट स्टाफ वहाँ पर गए और ट्रेनिंग लिए। इसके अलावा डॉक्टर अनिरुद्ध मेने और डॉक्टर उदय कुमार
लगातार इस दिशा में काम करते रहे हैं और अपने आप को भी अपग्रेड करने में, एडवांस ट्रेनिंग लेने में वो लोग हमेशा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। तो ये एक ट्रेनिंग की पार्ट है, टेक्निकल पार्ट। और इसके लिए और भी जो फैसिलिटी हमको चाहिए था, जैसा एक सेफ्टी कैबिनेट इसकी भी ज़रूरत है, तो उसका भी हम इंतज़ाम करके रखे हैं। और जो माहौल और जो जो डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए वो सब फैसिलिटी उस हिसाब से हमने करके रखी है। ये बहुत खुशी का विषय है कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भिलाई इस्पात संयंत्र में बर्न और प्लास्टिक डिपार्टमेंट में स्किन बैंक प्रारंभ हुआ है और ये छत्तीसगढ़ एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हॉस्पिटल्स का ये पहला मान्यता प्राप्त स्किन बैंक है। और इस स्किन बैंक के खुलने से हमारे जो गंभीर रूप से जले हुए जो मरीज आते हैं, बर्न के जो पेशेंट्स आते हैं, उनके इलाज में बहुत सुविधा मिलेगी। जिसको स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है और हमें स्किन नहीं मिल पाती है, उनके इलाज में बहुत सुविधा मिलेगी। इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि हमको स्किन डोनेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना होगा। हम स्किन डोनेशन के लिए जो भी व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है तो 6 घंटे के उपरांत स्किन निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करना होता है। और ये हमारा जो स्किन बैंक है, ये मान्यता प्राप्त स्किन बैंक है, इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि ये इस अच्छे कार्य में, जो ऑर्गन डोनेशन का जो कार्य है, इस कार्य में एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको दें। और जो भी व्यक्ति जो अंग दान करने के इच्छुक हैं, डेथ होने के पश्चात वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएं, ताकि ये एक नेक कार्य जो है ये आगे चलता रहे। अब यह जान लेते हैं कि आखिर स्किन डोनेशन कैसे होता है और इसे किस तरह से स्किन बैंक में 5 वर्षों तक संभाल कर रखा जाता है। सर्वप्रथम मृत्यु की सूचना मिलने पर स्किन बैंक की टीम पहुंचकर डर्मेटोज मशीन द्वारा स्किन की ऊपरी परत को निकालकर 50% ग्लिसरॉल पदार्थ रखे डब्बे में रखकर स्किन बैंक लाती है और चमड़ी को निकालने के बाद उस जगह पर काफी अच्छे ढंग से ड्रेसिंग करके क्रेप बैंडेज बांध दिया जाता है। इसके बाद बायोसेफ्टी कैबिनेट में इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें स्किन मेशर मशीन द्वारा चमड़ी में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और इन चमड़ियों को 85% ग्लिसरॉल में डालकर फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जिससे यह चमड़ी 5 वर्षों तक सुरक्षित रखी जा सकती है और ज़रूरतमंदों को चमड़ी लगाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट हेड और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय कुमार एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेक्टर 9 अस्पताल डॉक्टर अनिरुद्ध मेने के कुशल संचालन में सेक्टर 9 का बर्न यूनिट अपने अन्य पूर्णतः प्रशिक्षित स्टाफ के साथ मानव सेवा करते हुए अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है और 85% तक जले हुए लोगों को भी नया जीवन प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। जले मरीजों को जो प्लांट से आते थे और दूर दूर से आते थे, अधिक जले मरीजों को हम ठीक तो कर पाते थे, पर कुछ मरीज जो है वो हम बचा नहीं पाते थे क्योंकि स्किन की शॉर्टेज होती थी और हमें स्किन नहीं मिल पाती थी। तो उनको बचाने के लिए कवरेज चाहिए स्किन का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि उन मरीजों की जान बचाई जा सके, स्किन बैंक की स्थापना हुई। और इसमें जो भी डेड बॉडी की स्किन अगर मिलती है हमें, अभी लोग डोनेशन चालू भी कर दिए हैं, तो उससे उस स्किन को हम जो अधिक जले मरीजों को लगाकर उसकी जो शरीर से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, प्लाज्मा है, न्यूट्रिशनल है, मिनरल्स हैं, उसको रोका जा सकता है बाहर निकलने से तथा इन्फेक्शन को अंदर जाने से भी रोका जा सकता है। इस तरह उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, घाव सूखने की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है और घाव मरीज के बचने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। सर, ये स्किन बैंक में क्या जिंदा लोगों को भी रखना होना, उनकी स्किन ली जा सकती है, मृत क्या की? स्किन बैंक में जिंदा लोगों की भी स्किन ली जा सकती है, पर वो उसके लिए उनको भर्ती रखना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, जो उन पर खर्चा हो सकता है। जहाँ स्किन बैंक नहीं रहते, लोग वहाँ पे उनके रिलेटिव्स की स्किन ले लेते हैं, वहाँ पे उनको भर्ती करते हैं और उन पे दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। पर अगर हम कैडेवरिक की स्किन लेते हैं तो उसको उसके बाद में उसकी अंतिम क्रिया हो जाती है, उसको कोई दवाई की या किसी और चीज़ की, वो उसके अंग जल जाते हैं, वो जलने के बाद भी किसी दूसरे जले मरीज को अपना जीवन दान दे जाता है,
के कैडेवर्क स्किन से एक बहुत अच्छा फायदा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि जो ऐसा लग रहा है कि टर्मिनल स्टेज में पेशेंट है आईसीयू में या घर में, तो वो हमारे जो स्क्रीन पे अभी नंबर आप प्लेस करेंगे तो उसमें आप कॉल करिए, तो हमारी टीम जैसी ब्रेन डेथ होता है मरीज का तो 6 घंटे के अंदर आ जाएगी। और हम लोग एक स्पेशल एक पूरा पैकेट लेके आते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल डर्मेटोम से हम स्किन की ऊपरी लेयर निकालते हैं जिससे उस डेड बॉडी को कोई ज़्यादा क्षति नहीं होती, खून भी नहीं निकलता है और आप अपनी जो पूरा जो भी दाह संस्कार की क्रिया है उसमें हम कोई उसमें नहीं करते, उसको अच्छे से बैंडेज करके दे देते हैं ताकि वो गलत ना दिखे किसी को, और वो स्किन को हम एक केमिकल में प्रोसेस करके यहाँ ले आते हैं। पर अगर आप उस दौरान हमें कॉल करते हैं तो मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि मरीज का डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तथा उनके सबसे जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं बेटा या माँ या वाइफ उसका साइन किया हुआ एक कार्ड हमारे लिए सर्टिफिकेट जो डोनेशन के लिए तैयार है उसके हमें ज़रूरत पड़ती है। में जब स्किन डेड बॉडी से लेकर के स्किन बैंक में लाई जाती है उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन तक के काम में स्किन को पहले प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग के बाद में उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है और इसके बाद में जैसा कोई पेशेंट की डिमांड आने पर उसको लीगल एंड ऑथराइज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, NABH के मापदंडों के मुताबिक वेस्ट डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एवं मरीज डोनर की गोपनीयता, रिकॉर्ड कीपिंग, इन सब के मेंटेनेंस के लिए स्किन बैंक में कंप्यूटराइज्ड एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसके अंडर ये सब चीज़ें हम लोग स्टोर करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हमारे यहाँ नेशनल NABH एक्रेडिशन के मुताबिक किया जाता है और हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट समय समय से इसकी इंस्पेक्शन एवं अगर कुछ करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी उन लोग एडवाइस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, केवल स्किन के केमिकल प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस के नॉमिनल चार्जेस एप्लीकेबल होंगे जिसका मापदंड अभी फिलहाल के लिए तैयार नहीं किया गया है, जो मैनेजमेंट से फर्दर ऑर्डर आने पर इस कितनी प्राइस रहेगी वो डिसाइड किया जाएगा। ये रहने पे भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहेगा और केवल इसके मेंटेनेंस के चार्जेस लिए जाएंगे। तो इस तरह से स्किन बैंक में स्किन लाने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक कई कार्य की जिम्मेदारी मुझ पर होगी जो कि स्किन बैंक मैनेजर या स्किन बैंक इंचार्ज के रूप में मैं डेजिग्नेटेड रहूँगा। यहाँ पर स्किन को जो निकालते हैं डेथ के बाद कितने देर बाद निकाला जा सकता है और जो स्किन आपके लैब में आएगी उसे कितने दिनों तक रखा जा सकता है? स्किन को हम यूजुअली 6 घंटे के भीतर हमको निकाल लेना है बॉडी से और कोशिश ये करना है कि 6 घंटे भी इंतज़ार ना करके जल्दी से जल्दी मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद निकालने से जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। बट कई परिस्थितियों में बिल्कुल 1-1.5 घंटे के भीतर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो प्रैक्टिकली 6 घंटे के भीतर स्किन निकाल ही लेना चाहिए, 6 से 7 घंटे के बाद में वो स्टोरेज में दिक्कत हो सकती है। कितने दिन तक स्टोरेज किया जा सकता है? स्किन को प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद में 5 वर्ष तक स्किन बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है, इस दौरान किसी भी मरीज के लिए वो काम आ सकती है। आमतौर पर एक डोनर से कम 6 से 10 मरीजों को हम जीवन दान दे सकते हैं। हाल ही में 1 जून 2022 को भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस में भयंकर आगजनी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही झुलसने से मौत हो गई थी, वहीं दूसरे व्यक्ति को सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था जो कि 85% से ज्यादा जल चुका था जिसका इलाज काफी कुशलता के साथ किया जा रहा था। इसी बीच सेक्टर 9 अस्पताल में स्किन बैंक खुलने से इस मरीज के उपचार में एक नया अध्याय जुड़ गया और स्किन बैंक से नई चमड़ी लगाकर इस मरीज को नया जीवनदान मिल पाया। मरीज ने स्वयं अपने उपचार के बारे में मीडिया को जानकारी दी और पूरे अस्पताल प्रबंधन के साथ
विशेष तौर पर बर्न यूनिट के प्रभारी और पूरे स्टाफ का हृदय से आभार जताया है। परमेश्वर सिंह का 85% चल चुका था। 1 जून 2022 को बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जिसे इलाज के दौरान मेरा 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। मैं अभी ठीक हूँ, पर ज़्यादा जलने के कारण मेरा स्किन नहीं मिल पा रहा था, तो स्किन बैंक ने स्किन बैंक के द्वारा मुझे दूसरा जन्म मिला है। और मैं बर्न यूनिट के सभी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से, और सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्किन डोनेट करेंगे ताकि कई लोग का जान बच सके। धन्यवाद। इसके पूर्व भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह भिलाई शहर कई क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित हुआ है, परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन एवं सर्वश्रेष्ठ उपचार के लिए जाने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई के इतिहास में एक और स्वर्ण अक्षरों से लिखा पन्ना स्किन बैंक के रूप में जुड़ गया है। मध्य भारत का पहला और एकमात्र स्किन बैंक होने की वजह से चमड़ी की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए सेक्टर 9 अस्पताल के प्रबंधन ने आम जनमानस से बढ़ चढ़कर मृत्यु उपरांत चमड़ी दान करने की अपील की है, जिससे भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों और शहरों से आए हुए गंभीर रूप से झुलसे लोगों को स्किन रिप्लेसमेंट कर नया जीवन दान दिया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।